हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज पेपर हुआ था पीजीआई चंडीगढ़ का, जो सेटेलाइट हॉस्पिटल है संगरूर में उसका। बाकी पेपर ठीक ठाक आया था, होप करता हूँ आप सबका अच्छा हुआ हो। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं उसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं। आप सब देखना आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और क्या सही हैं, ताकि आगे कभी आए तो गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन काफ़ी लंबी सी लैंग्वेज में इन्होंने पूछा हुआ था कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जिसमें मेरे सामने फोर्थ ऑप्शन में था हेमरेज, जो कि करेक्ट आंसर है। कन्फ्यूज़न वहाँ पे होती है जब हेमरेज और डीआईसी बोल ऑप्शन में आ जाता है, जो कि इसमें भी दिया हुआ था, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेमरेज। जो डीआईसी है वो एब्रप्शियो प्लेसेंटा का कॉम्प्लिकेशन है। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है क्या लैंग्वेज थी, बट ये पूछा हुआ था जो हमारा ब्रेन है उसकी एक्टिविटी असेस करने के लिए जो मेन इंडिकेटर होगा वो क्या होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी का ठीक हुआ होगा। इसका आंसर जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन की। इसमें पूछा हुआ था कि जो ऑडिटरी सेंसेशंस हैं वो किस लोब पे जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्पोरल लोब। बाकी अगर हम अदर लोब्स की बात करें तो हमारा जो स्किन पे सेंसेशन आती है वो वाला जाता है पैराइटल लोब में, विजुअल वाला जाता है ऑक्सीपिटल लोब में, गस्टेटरी सेंसेशंस जाती हैं पैराइटल लोब में, ओल्फैक्ट्री जो सेंसेशंस हैं वो जाएंगी टेम्पोरल लोब में, और ये जो हमारे क्वेश्चन जैसे ऑडिटरी ये वाला जा रहा है टेम्पोरल लोब में। क्वेश्चन नंबर फोर है कि इसमें पूछा हुआ था रेबीज़ में क्या हो जाता है। अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे, बट जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेरेंजियल स्पाज्म। रेबीज़ में फेरेंजियल स्पाज्म देखने को मिलता है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो कुछ एक्सीडेंट का केस बता के क्वेश्चन दिया हुआ था, लंबी सी लैंग्वेज थी। उसमें पूछा हुआ था कि अगर इंक्रीज्ड आईसीपी है तो इनिशियली नर्स क्या करेगी। तो उसमें ऑप्शंस थे जिनमें से करेक्ट आंसर जाएगा हम हेड एंड को एलिवेट कर देंगे 15 to 30 डिग्री पे, ताकि जो आईसीपी है वो और ना बढ़े। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। ये बहुत इजी आया था एक क्वेश्चन कि सिजोफ्रेनिया के फोर एज को हमें आइडेंटिफाई करना था। चार ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उनमें आंसर वही जाएगा जिसमें एम्बिवेलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग करके था, अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस, एसोसिएटिव लूजनेस। तो मैक्सिमम लोगों का ये ठीक हो गया होगा। बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन था कि वजाइनिस्मस कंडीशन दी हुई है, तो इसमें क्या हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो ये मुझे भी नहीं आता था आंसर, इसको मैं छोड़ के आया था। बट इसमें एक ऑप्शन था ट्यूब शेप डिवाइस करके, जिसने भी वो ऑप्शन लगाया है वो करेक्ट होगा, बट आई एम नॉट श्योर। होपफुली वही आंसर इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं एट क्वेश्चन की। ये बहुत आसान आया था कि एस्पिरिन का साइड इफ़ेक्ट पूछा हुआ था। इसका साइड इफ़ेक्ट होगा टेनाइटिस, ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, सभी का ठीक हुआ होगा। बात करते हैं अब नाइन क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी जो ड्रग है वो टोकोलाइटिक नहीं है। तो ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा मीजोप्रोस्टोल। ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे कुछ नैलॉक्सोन करके, और भी थे, सालब्यूटामॉल भी था ऑप्शन में, बट इसका करेक्ट आंसर होगा मीजोप्रोस्टोल। अब टेंथ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लैंग्वेज दी हुई थी लंबी सी कि हिस्टामिन टू ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। दवाई का नाम भी दिया हुआ था रेनेटिडिन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा, ये जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर यही है, बट मैं गलत करके आया था, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट कोई नहीं। अब बात करते हैं हम एलेवेंथ क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ था कि लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस है बच्चे को, तो नर्स क्या करेगी। एक्चुअली में ये जो ये लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस है, ये क्रोप जो एक डिजीज कंडीशन है उसका ही दूसरा नाम है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, कि ट्रेक्योस्टमी करनी पड़ सकती है कभी भी। तो उसके लिए हम ट्रेक्योस्टमी ट्रे बेड साइड रखते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम ट्वेल्थ क्वेश्चन की। इसमें पूछा हुआ था कि तुम मेडिसिन दिया तुमने किसी पेशेंट को, तो फिर हम डॉक्यूमेंट में कब तुम चार्टिंग करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा कि इमिडिएटली हमें
डॉक्यूमेंटेशन में चढ़ाना होता है जो भी हमने मेडिसिन दी है। और भी ऑप्शंस थे कि एंड ऑफ द शिफ्ट करेंगे या ऐसा कुछ, बाकी करेक्ट आंसर होगा इमीडिएटली। 13 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें जो ग्रेविटेशन ट्यूब फीडिंग है उसको लेके हमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेलेक्ट करना था। उसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यही होगा कि जो हाइट शुड बी, जो माउथ से लेके जो हैंगिंग बैग है उसकी जो लेंथ है वो 1 फीट होनी चाहिए, यानी कि अराउंड 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर है। बाकी जो एक और ऑप्शन था जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम 25 ml लिखा हुआ था, वो भी हो सकता है, बट वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उससे पहले ओनली लिख दिया था। बाकी 100 ml होता है वैसे तो आंसर, बट 25 ml वाला वो गलत होगा आंसर। जो 1 फीट वाला है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम 14 क्वेश्चन की, जिसमें पूछा हुआ था कि प्लासेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि इजी क्वेश्चन था, सबका सही हुआ होगा। बात करते हैं हम 15 क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन कि सेरेब्रल पाल्सी है, अटैक्सिया हो रखा है, तो उसमें हम एम्बुलेशन के लिए या फिर बैलेंस के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे। चारों टेस्ट के नाम दिए हुए थे अलग अलग, जिनमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा रोमबर्ग टेस्ट, जिसको हम हील टू शिन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था OBG से, जिसमें ये पूछा हुआ था कि ब्रो प्रेजेंटेशन कब बनेगी, कौन से डायमीटर में ब्रो प्रेजेंटेशन बनेगी। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा मेंटो वर्टिकल डायमीटर। मेंटो वर्टिकल डायमीटर जब तभी बनता है जब ब्रो प्रेजेंटेशन होती है। तो जिन बच्चों ने मेंटो वर्टिकल लगाया है उन सभी का आंसर ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो भी थे वो सब गलत थे। अब बात करते हैं हम 18 क्वेश्चन की, जिसमें ये पूछा हुआ था कि जो हमारी कैथेटराइजेशन हुई है, कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है, तो उसके बाद हमारा जो असेसमेंट होगा वो क्या होगा, जो नर्स है वो क्या करेगी। जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, अलग अलग थे, लेकिन जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यही जाएगा कि हमें जिधर की भी, जिस भी पार्ट में कैथेटराइजेशन हुई है उस पार्ट की हमें डिस्टल पल्स को असेस करना है, जिससे ये पता चलता है कि सर्कुलेशन ठीक हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कभी आगे वाले ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई कम जा रही हो या अल्टर हो रही हो, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गई है, इसलिए हम जो डिस्टल पल्स है उसको फील करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा हुआ था आर्टेरियोवास्कुलर हीमोडायलिसिस हुआ है पेशेंट को, तो उसकी पेटेंसी को कैसे चेक करेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत मिलेगा आपको। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि पल्सेशन फील करेंगे और थ्रिल चेक करेंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। होपफुली सभी का करेक्ट हुआ होगा ये वाला आंसर। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की, जिसमें ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इसमें हमें वाइटल्स दिए हुए थे कि पल्स बढ़ी हुई है, यूरिन आउटपुट है जो 30 ml से कम हो गया है, तो ऐसे में हमें ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना था। जिसका इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपोवोलेमिक शॉक। इसी कंडीशंस में ये सब जो वाइटल साइंस हैं ये मैच कर रहे थे। बाकी आप लोगों ने अगर कोई और ऑप्शन लगाया है तो वो गलत होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका हाइपोवोलेमिक शॉक ही होगा। अब बात करते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत इजी था। डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स पूछा हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर होगा पल्स डेफिसिट। होपफुली सभी लोगों का ये वाला आंसर तो ठीक ही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है, बस इसमें ये पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका आंसर होगा पल्स प्रेशर। ये भी बहुत आसान था, सभी का ठीक हुआ होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें ऐसे दिया हुआ था कि एक MI पेशेंट है, स्टेबल है, ग्रेजुअली वो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, तो चार ऑप्शंस में से हमें नॉर्मल बताना था कि क्या, कौन सी सिचुएशन कंडीशन जो नॉर्मल है। ऑप्शंस चारों ऐसे थे, एडिमा, डिजनिया, साइनोसिस और वेट लॉस। तो अगर हम बाकी तीन ऑप्शंस को देखें, एडिमा भी प्रॉब्लम है, डिजनिया और ये तो प्रॉब्लम की ही बात है, और अगर साइनोसिस है वो भी एक गलत इंडिकेशन है, तो वेट लॉस से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट तो थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं वो लोग क्या आंसर मानते हैं, बट मे बी वेट लॉस इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा हुआ था कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर है ट्रस्टवर्दी, बिकॉज
स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम उसी को बोलते हैं जिसे हमें कंफर्मेशन मिलती है किसी डिजीज़ की, हाँ भाई ये इस टेस्ट से हमें इस डिजीज़ का पता चलेगा, उसी को हम स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रस्टवर्दी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें कंडीशन दी हुई थी कि थायरोडेक्टमी होगी पेशेंट की और उसको हम ल्यूगोल सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उसका पर्पस पूछा हुआ था कि ल्यूगोल सॉल्यूशन हम क्यों दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, हम ल्यूगोल सॉल्यूशन इसलिए देते हैं ताकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसकी उसका साइज कम हो सके और उसकी वास्कुलैरिटी भी कम हो सके, ताकि सर्जरी इजीली हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वही वाला ऑप्शन जिसमें डिक्रीज द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड डिक्रीज वास्कुलैरिटी दिया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। इन क्वेश्चंस में कोई भी अगर मैंने गलत आंसर दिया हो तो उसको आप करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड मैं कोशिश करूँगा आगे वाले क्वेश्चंस में कोई भी गलती ना हो। बाकी थैंक यू सो मच।